कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अरुणाचल के चौतरफा विकास का भरोसा दिलाया और कहा कि 28 साल की कमी को 5 सालों में पूरा किया जाएगा। 28 साल में आपने जितनी प्रगति की है उससे अनेक गुना प्रगति आने वाले 5 साल में आप कर पाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इस अवसर पर मोदी ने 3200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए 132 केवी पावर ट्रांसमिशन परियोजना और 100 करोड़ वाली पेयजल परियोजना का शुभारंभ किया। ये जो तीसरा प्रोजेक्ट है वो ईटानगर के नागरिकों को पीने का शुद्ध पानी पहुंचाने का प्रोजेक्ट है। करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा लागत ईटानगर के लोगों को पीने का शुद्ध पानी मिले। राज्य के 29वें जन्मदिन पर ईटानगर के नागरिकों को शुद्ध पानी पहुंचाने का ये प्रोजेक्ट अर्पित करते हुए मेरे मन को आनंद भी होता है, थोड़ी पीड़ा भी होती है। नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के लोगों से आग्रह किया कि वो राज्य के विकास के लिए प्रदेश की प्राकृतिक क्षमताओं का उपयोग करें। स्थापना दिवस समारोह में अरुणाचल प्रदेश की परंपरागत पोशाक में नजर आए थे नरेंद्र मोदी। स्थापना दिवस के इस अवसर पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी ने प्रदेश के लोगों के लिए इस दिन को बेहद ही खास बना दिया। नॉर्थ ईस्ट हिंदुस्तान का ऑर्गेनिक फार्मिंग का कैपिटल बन सकता है और हम इसके लिए 6 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को चालू करने वाले हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम काम देने वाले हैं। मैंने डोनर मिनिस्ट्री से कहा है कि जैसे मेक इन इंडिया का हमारा अभियान है, लेकिन डोनर मिनिस्ट्री के लोग मेक इन नॉर्थ ईस्ट उसका पर्सपेक्टिव प्लान तैयार करें।